हिमाचल प्रदेश के चुनाव से महज कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फतेहपुर से बीजेपी के बागी नेता कृपाल परमार से फोन पर बातचीत करते हुए कहते हैं कि चुनाव से पीछे हट जाओ, मैं कुछ नहीं सुनूंगा। अब परमार ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आदेश को भगवान का आदेश मान लिया है, लेकिन क्या वो उस पर अमल करेंगे या फिर नहीं। अब आप कहेंगे कि चुनाव से महज कुछ दिन पहले पीएम मोदी एक बागी नेता से बात करें और ये बातें हम तक पहुंच जाए, भला ये कैसे हुआ? तो पहले आप ये वीडियो देखिए और ये बातचीत सुनिए, उसके बाद आपको पूरे मामले के बारे में विस्तार से बताएंगे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का लोकमत हिंदी पर। मैं हूँ आपके साथ मेघना सचदेवा। वैसे तो भाजपा के अंदर बागी शब्द कम ही सुनाई पड़ता है, लेकिन जब भी सुनाई पड़ता है तो आला कमान के आदेश के आगे सभी नेताओं को हामी भरनी ही पड़ती है। अब भाजपा के एक नेता बागी हो गए, फतेहपुर से नेता कृपाल शर्मा बागी हुए, किसी का फोन नहीं उठा रहे थे, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें खुद फोन किया और ऐसे में कृपाल परमार को फोन उठाना भी पड़ा और पीएम मोदी से बात भी करनी पड़ी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फतेहपुर से भाजपा के बागी नेता कृपाल परमार के बीच आपस में हुई तथाकथित बातचीत का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अभी इस वीडियो की पुष्टि नहीं हुई, लेकिन जानकारी के मुताबिक आजाद चुनाव लड़ रहे भाजपा के बागी नेता कृपाल परमार को पीएम मोदी का फोन उस वक्त आया जब वो किसी का फोन नहीं उठा रहे थे। वो अपने चुनाव के निशान के साथ अपना प्रचार करने निकल पड़े। इसके बाद पार्टी प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने भाजपा नेता ओपी चौधरी के फोन पर पीएम मोदी की बात कृपाल परमार से करवा दी। उसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। वीडियो में कृपाल परमार के साथ भाजपा के ओबीसी नेता ओपी चौधरी भी नजर आ रहे हैं। इस वीडियो में देखिए कि पीएम मोदी और परमार के बीच आखिर क्या बातचीत हुई है। हाँ, जी जी नमस्कार जी, जी। हाँ नमस्कार जी, नमस्ते जी। मैं कब बोलूँगा जी, कब कौन सुनेगा जी 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 जी। मोदी जी, मैं एक बात कहूँ आके तो मेरा भी है, मेरी मोदी जी, मैंने नड्डा जी ने मेरे को इतना जलील किया 15 साल जी, बहुत रोल है जी। नहीं काम नहीं है जी, मेरे लिए तो भगवान का देश है मोदी जी। दो दिन पहले हो जाते। जहाँ एक तरफ सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल हुआ, तो वहीं दूसरी ओर हिमाचल चुनाव से पहले इस तरह से पीएम मोदी का किसी बागी नेता को फोन करने पर कांग्रेस ने अब हमला बोलना शुरू कर दिया है। कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये आचार संहिता का उल्लंघन है। कांग्रेस ने ये भी कहा कि हिमाचल चुनाव भाजपा हारने जा रही है, इसीलिए परमार पर पीएम मोदी दबाव बना रहे हैं, उन्हें ब्लैकमेल कर रहे हैं। कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंह की तरफ से आरोप लगाया गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृपाल परमार पर दबाव बनाकर ब्लैकमेल करने की कोशिश की है। सिंघवी ने कहा कि प्रधानमंत्री की वरीयता सूची दुर्भाग्यवश बेहद विकृत है, इस सरकार के लिए सुशासन नहीं बल्कि चुनावी प्रचार और काम ज्यादा जरूरी है। देश की गिरती हुई अर्थव्यवस्था को सुधारने की बजाय पीएम दौरे करने में व्यस्त है। उन्होंने ये भी कहा कि ये निर्वाचन प्रक्रिया का गलत इस्तेमाल है, इस संबंध में निर्वाचन आयोग से भी कांग्रेस शिकायत करेगी। इस वीडियो में नरेंद्र मोदी कृपाल परमार को ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि वो चुनाव प्रचार करना बंद कर दें, आगे की जिम्मेदारी मेरी है।
लेकिन कृपया प्रमार कहते हैं कि ये मेरे लिए भगवान का आदेश है। अगर दो दिन पहले फोन आया होता, हालांकि आगे वो कुछ और बात करते, इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोन काट दिया। लेकिन इसी वीडियो में कृपाल परमार ये भी कहते हुए नजर आए कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 15 साल से मुझे बहुत प्रताड़ित किया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में सब जगह है, जो बड़ा स्पष्ट बताता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी वीडियो पे बात कर रहे हैं, आवाज़ स्पष्ट है और बड़े स्पष्ट रूप से दबाव डाल रहे हैं और मानसिक रूप से भी दबाव डाल रहे हैं। इमोशनली मानसिक, एक प्रकार से मानसिकता वाली ब्लैकमेलिंग चल रही है बीजेपी के बागी कृपाल परमार के साथ वार्तालाप में, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के फतेहपुर के विषय में, कि आप वहाँ से स्वतंत्र कैंडिडेट न बनेंगे, नहीं बनिए, न बन सकते हैं। ये सब आप वीडियो में देख सकते हैं, ये सब आप अपने आप निर्णय कर सकते हैं कि कितना डेस्परेशन, कितनी घबराहट और बौखलाहट दिख रही है बीजेपी के शीर्षस्थ व्यक्ति में, जिस प्रकार का वार्तालाप उस वीडियो में है। लोकमत हिंदी इस वीडियो की और ऑडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन इस तरह के वीडियो जब सोशल मीडिया पर सामने आते हैं तो सवाल ये उठता है, क्या वाकई आने वाले चुनावों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फतेहपुर से बागी नेता को फोन किया है? अब क्या बागी नेता उनकी बात मान जाएंगे और आजाद चुनाव न लड़कर पार्टी के साथ ही जाएंगे? ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तमाम देश दुनिया की खबरों के लिए आप लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।